गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। सभी दोस्तों का उत्कर्ष के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म उत्कर्ष के यूट्यूब चैनल पर उत्कर्ष परिवार की तरफ से मैं महेंद्र चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, सभी प्यारे साथियों को एक साथ ही नमस्कार, राम राम, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सुधांशु शर्मा भरतपुर, पीयूष राणा, संजय सिंगानिया, राजस्थानी बॉय, टिन्नू जीके, मैथ साइंस ट्रिक, वेरी गुड ट्रिक, बहुत अच्छा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। देव मीणा भाई, सभी साथियों को गुड इवनिंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, इस बुनियाद सीरीज में राजस्थान इतिहास के अंतर्गत अपन ने पिछले सेशन में जनजातीय आंदोलन कंप्लीट कर लिए थे। आज एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। राजस्थान में अपने इतिहास में पहला ही टॉपिक पढ़ा था जनजातीय आंदोलन, और जनजातीय आंदोलन अपने कंप्लीट हो चुके थे। जनजातीय आंदोलन के भाग एक, भाग दो और भाग तीन अपने पढ़ लिए थे, और तीनों भागों में अपने एक तो मेर जाति का आंदोलन, एक मीणा जाति का आंदोलन और एक बील जनजाति का आंदोलन। अब आज अपन नया टॉपिक शुरू करते हैं। देखो, नए टॉपिक में फटाक से देखे कमेंट करके बताओ कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा टॉपिक आपको थोड़ा सा टफ लगता है कि इसको आप थोड़ा सा इजी तरीके से समझा देंगे तो ठीक रहेगा। फटाफट एक बार कमेंट करके बता देंगे तो अच्छा रहेगा कि गुरुजी ये टॉपिक मुझे पढ़ा दिया जाए। हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, पीछे हो गई मैं, कोई बात नहीं, यूट्यूब पर सारी क्लासेस सेव रहती है, पीछे होने की जरूरत नहीं है। एक बार फटाक से कमेंट करके बता दो कि क्या पढ़ाना है। 1857 की क्रांति पढ़ानी है, किसान आंदोलन पढ़ाने हैं, प्रमुख व्यक्तित्व पढ़ाने हैं, एकीकरण पढ़ाना है, प्रजामंडल आंदोलन पढ़ाना है, या मध्यकालीन राजस्थान पढ़ाना है, कोई महत्वपूर्ण राजा पढ़ाना है। देख लेते हैं कि कौन कौन से, क्योंकि राजस्थान हिस्ट्री के अंदर खूब सारे टॉपिक्स हैं अपने, उनमें आपको जो थोड़ा सा कठिन लगे वो बता दे कि कौन सा गुरुजी शुरू कर दे, ताकि उस अकॉर्डिंग आपकी सारी जो जटिल बाधाएं हैं पहले उनको दूर कर ले, फिर आसान आसान वाली बाधाएं तो अपन करते ही रहेंगे। प्रणाम प्रणाम, मेले पढ़ा दो। अरे मेले इतिहास में कहाँ है सुनील यादव, मेले नहीं है। नवीन कह रहा है एकीकरण पढ़ा दो, सुधांशु कह रहा है कि प्रजामंडल पढ़ा दो, प्रजामंडल पढ़ा दो, क्रांति पढ़ा दो, क्रांति, प्रजामंडल, प्रजामंडल, 1857 की क्रांति, राजस्थानी बॉय कह रहा है। एक बार फटाफट बताओ ताकि मैं कल्चर, अभी नहीं, कल्चर के जितने टॉपिक थे वो मैंने पूरे कर दिए, कल्चर वाले टॉपिक मैंने पूरे कर दिए। प्रजामंडल, 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 ओनली कल्चर, ओनली कल्चर, प्रजामंडल, जसवंत जाट क्रांति, यानी ज्यादातर भाइयों का मन है कि प्रजामंडल पढ़ा दिया जाए। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा वैसी मेरी इच्छा। शुरू कर देते हैं राजस्थान के प्रजामंडल, राजस्थान के प्रजामंडल शुरू कर देते हैं भाई। आज अपना टॉपिक रहेगा आज राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन। ये लो भाई, अब इस टॉपिक के ऊपर पूरा डेडिकेट हो जाना है। अगली बार आप जब कहोगे तो दूसरा टॉपिक शुरू कर देंगे, यानी जब अब तो लगातार प्रजामंडल ही चलेगा, अगली बार जिसका मत ज्यादा होगा उसके कहने पर वो शुरू कर देंगे। अब अपने टॉपिक पर फोकस हो जाना है। प्रजामंडल टॉपिक जो है, सबसे पहले तो इसकी भूमिका समझनी है कि आखिर पढ़ना क्या है। अभी तक अपने कई लोगों के तो दिमाग में यह भी क्लियर नहीं है कि प्रजामंडल में पढ़े क्या। मुझे बड़ा आश्चर्य सा होता है जब मैं कभी कभार क्लास में जाता हूँ और कहता हूँ कि लिखो प्रजामंडल, लिखो रे, लिखो प्रजामंडल, हेडिंग लगाओ, तो फिर मैं पूछता हूँ कि प्रजामंडल पहले कभी पढ़े हैं, बोला गुरुजी पढ़े हैं। मैंने कहा पढ़ना क्या इसमें, बोलते हैं कि प्रजामंडल का संस्थापक पढ़ना है और प्रजामंडल की स्थापना कब हुई। बस ये दो ही बातें मोटी मोटी दिमाग में रहती है कि एक तो प्रजामंडल की संस्थापक कौन है, जयपुर प्रजामंडल कर्पूरचंद पाटनी, झालावाड़ मांगीलाल भव्य, डूंगरपुर भोगीलाल पांड्या, रट रखा है, और उसके बाद में कि स्थापना कब हुई, 31, 31, 34, 34, 36, 36, 38, 38, पूरा पैनल बना रखा है। अरे वो 8वीं 10वीं तक की बातें, छोटे छोटे टापर पढ़ते हैं उनको, और कभी कभी छोटी छोटी परीक्षाओं में इस टाइप के प्रश्न आ जाते हैं या प्री के अंदर कोई नॉर्मल प्रश्न आ जाए। एक्चुअली प्रजामंडल जो टॉपिक है उसमें आपका प्रमुख उद्देश्य क्या है पहले तो समझो। यानी एक तो होता प्रजा और एक है मंडल, या दो शब्दों से शब्द मिलकर के बना है। देखो किसान आंदोलन, कोई दिक्कत ही नहीं, नाम से पता लग रहा है कि फार्मर्स मूवमेंट, किसान आंदोलन कर रहे हैं, इसका मतलब किसानों ने कौन कौन से आंदोलन किए, क्यों क्यों किए और कैसे कैसे किए, वो सारे बातें पढ़ लेते हैं। जनजाति आंदोलन, नाम से पता लग रहा है कि भाई आदिवासी जो लोग थे, जनजातियां जो थी वो आंदोलन कर रहे थे, प्रॉब्लम क्या थी वो पढ़ लेते हैं। प्रजा का मतलब प्रजा, प्रजा का मतलब प्रजा ही है सारी, प्रजा का मतलब जनता, किसान भी जनता है, आदिवासी भी जनता है, नॉर्मल लोग भी जनता है, बिजनेसमैन भी जनता है, सब कुछ जनता है। राजा अलग था, प्रजा अलग था। यहां पर एक तो है प्रजा और एक है मंडल, प्रजा और एक है मंडल। प्रजा का मतलब जनता,
मंडल का मतलब, मंडल का मतलब होता संगठन, मंडल का मतलब क्या होता संगठन। अपन बनाते हैं ना श्री श्याम नवयुवक मंडल, युवक मंडल, तेजा मंडल, महादेव मंडल, बाबूजी मंडल। मंडल का मतलब क्या होता संगठन, संगठन। इसका मतलब इसका शाब्दिक अर्थ मिला है तो जनता का संगठन, जनता का संगठन। और फिर आगे शब्द जुड़ गया आंदोलन, जंगत जनता का संगठन आंदोलन, कुछ सेंस निकला इसका, जनता का संगठन आंदोलन। यानी सीधा सा मैं यूं कह सकता हूं, जनता के द्वारा स्थानीय लोगों के द्वारा एक संगठन बना करके आंदोलन किया गया। प्रत्येक रियासत के अंदर वहां के स्थानीय लोगों ने अपना एक मंडल बनाया, अपनी एक संस्था बनाई, अपना एक संगठन बनाया और फिर आंदोलन किया। प्रजा द्वारा संगठन बना करके किया गया आंदोलन ही क्या कहलाता है प्रजा मंडल आंदोलन। अब नंबर दो पर, प्रजा संगठन बनाकर आंदोलन कर क्यों रही है, दिक्कत क्या है भाई? किसानों को दिक्कत हुई, किसानों ने आंदोलन कर दिया। आदिवासियों को दिक्कत हुई, आदिवासियों ने, जनजातियों ने आंदोलन कर दिया। प्रजा संगठन बनाकर के आंदोलन कर क्यों रही है, प्रजा संगठन बनाकर के आंदोलन कर क्यों नहीं रही है, प्रजा मंडल स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आप सीधा सीधे याद रखना, पहले तो प्रजा मंडल का अर्थ अगर आपसे पूछे तो प्रजा मंडल का अर्थ है जनता द्वारा संगठन बनाकर आंदोलन करना, जनता द्वारा संगठन बनाकर आंदोलन करना, संगठन बनाकर आंदोलन करना। अब ये आंदोलन किसके खिलाफ होगा और कैसे होगा वो सारी चीजें। प्रजा मंडल स्थापना का उद्देश्य क्या है, प्रजा मंडल स्थापना का उद्देश्य क्या है? तो जो सबसे मुख्य उद्देश्य है वो है उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, उत्तरदायी शासन की मांग करना या स्थापना करना, ये इसका सबसे महत्वपूर्ण। और भी कई मिशन है लेकिन उत्तरदायी शासन की स्थापना ये मूल मिशन है। अब दिक्कत यह है कि उत्तरदायी शासन होता क्या है। उत्तरदायी शासन, प्रजा मंडल अर्थ समझ में आ गया। उत्तरदायी शासन का मतलब होता है कि आज अपने राजस्थान के अंदर उत्तरदायी शासन है, आज आपकी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा और देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा तक आपकी बात को पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि यहां रेस्पॉन्सिव सिस्टम है, रेस्पॉन्सिबल सिस्टम है, जिम्मेदार तंत्र है। आपको कोई दिक्कत हुई आप अपने एमएलए को बताएं, एमएलए विधानसभा में बताएगा और आपकी समस्या का निराकरण होगा। इसका मतलब सरकार आपके प्रति रेस्पॉन्सिबल है, आपकी बात सुनने के लिए बीच में एक प्रतिनिधि बना रखा है जिसको अपन कहते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधायक कहते हैं। आपकी प्रॉब्लम है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संसद में उठाएगा, सरकार ने आपको एक प्रतिनिधि दे रखा है, यानी आप अपनी बात प्रतिनिधि को बताएं और प्रतिनिधि आपकी बात सरकार तक पहुंचाए और उस प्रतिनिधि की बात को सरकार गौर से सुने, उसको कुछ अधिकार मिले, ये होता उत्तरदायी शासन। अपने विधायक जी का काम आपके क्षेत्र की समस्याओं को विधानसभा में उठाना है, शादी में आकर सेल्फी लेना नहीं है कि ओ भाई की शादी में, ब्रो की शादी में एमएलए आया, कॉन्ग्रेचुलेशन एमएलए साहब का कमाइन, ऊपर पुष्प वर्षा हो रहे। हाँ ठीक है, वो सामाजिक आदमी है, अपना ही आदमी है, अपने बीच का है, बुलाएं फोटो लेवें, लेकिन उनका जो मूल उद्देश्य है वो मूल उद्देश्य आपकी डिमांड को विधानसभा तक, इसका मतलब वर्तमान में उत्तरदायी शासन है। अब मुझे आप बताओ, जब 19वीं-20वीं सदी का आंदोलन था, ये प्रजामंडल वगैरह 19वीं-20वीं सदी में स्थापित हो रहे हैं, 20वीं सदी में हो रहे हैं, तो 20वीं सदी में रियासत में सबसे बड़ा कौन? राजा। राजाओं की संधि किसके साथ हो रखी है? राजाओं की संधि हो रखी है ईआईसी के साथ, यानी अंग्रेजों के साथ, मैं यूं कह सकता हूं अंग्रेजों के साथ। राजा के अधीन कौन है? सामंत। और सामंत के अधीन बताओ कौन है? प्रजा। अब मुझे ये बताओ कि प्रजा अपनी बात डायरेक्ट किसको जाकर बताए? सामंत को बताए, कोई कौन सुनेगा? और सामंत किसको बात बताए? राजा। क्या रेस्पॉन्सिबल है? इसलिए प्रजा ने ऐसा कहा कि आप हमारी रियासत में, आप हमें सरकार में जगह दो राजा जी, आप जो है ये आंदोलन, ध्यान रखना सामंत के विरुद्ध नहीं है, सामंत के विरुद्ध किसान आंदोलन हुआ था। प्रजा डिमांड कर रही है कि सरकार के अंदर हमें जिम्मेदारी दो, हम जनता की बातों को आपके सामने रखेंगे और उस बात पर समाधान होना चाहिए। कुल मिलाकर के आप सीधा सा अर्थ याद रखेंगे, उत्तरदायी शासन की स्थापना हेतु प्रजा मंडलों की स्थापना की गई थी। ध्यान रखना, पहले दिमाग में अगर मोटा मोटा क्राइटेरिया तय नहीं हुआ ना, तो फिर वही रटाफिकेशन है। किसान दिवस किसने मनाया, कृष्णा दिवस कब मनाया, 12 अप्रैल 12 अप्रैल, 21 जून 21 जून, यूं रटेंगे और उस रटने से कोई काम पड़ने वाला नहीं। आरएस जैसी एग्जाम है तो पहले तो आपको टॉपिक जो पढ़ रहे हैं उसकी मोटी मोटी अर्थ याद रहे कि अपन पढ़ क्यों रहे हैं,
फैक्ट बहुत सारे हैं, उन तथ्यों पर आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है। आपको याद रहे प्रजा मंडल प्रजा का संगठन है और आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन क्यों कर रहे हैं? उत्तरदायी शासन की मांग कर रहे हैं, उत्तरदायी शासन की मांग के लिए आंदोलन कर रहे हैं। खूब सारे प्रजा इसमें जुड़ी हुई है। उत्तरदायी शासन का मतलब क्या है कि सरकार के अंदर स्थानीय नेताओं का स्थानीय लोगों की हिस्सेदारी हो, उसको कहते हैं उत्तरदायी शासन। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मैं कुछ फैक्चुअल डाटा ले लेता हूं और उसके बाद अपन प्रजा मंडलों में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले फैक्चुअल डाटा में मैं यूं कहूं कि राजस्थान में सब स्थापित प्रथम प्रजा मंडल कौन सा है। सारे प्रजा मंडलों के बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले राजस्थान में स्थापित प्रथम प्रजा मंडल, राजस्थान में स्थापित प्रथम प्रजा मंडल कौन सा है, तो आप बताएंगे ये प्रजा मंडल है आपका जयपुर। राजस्थान में सबसे पहले जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1931 में हुई थी। सबसे पुराना प्रजामंडल, सबसे पहली बार प्रजामंडल बना। प्रजामंडल ये आपका उत्तरदायी शासन की डिमांड करने के लिए जयपुर में बना है। ठीक बात है। नंबर दो, राजस्थान का सबसे नवीनतम प्रजामंडल, ये कोई छोटे प्रश्न परी के एग्जाम में पूछ ले, राजस्थान का सबसे नवीनतम प्रजामंडल कौन सा है, तो आप बताएंगे राजस्थान का सबसे नवीनतम जो प्रजामंडल है वो प्रजामंडल है आपका झालावाड़ प्रजामंडल, जो 1946 में बना था। सबसे नया प्रजामंडल 1946 में बना, जिसका नाम है झालावाड़ प्रजामंडल। अब यहां पर एक बात और याद रखना, राजस्थान से बाहर स्थापित होने वाले प्रजामंडल कौन कौन से हैं? राजस्थान से बाहर स्थापित होने वाले प्रजामंडल, ये सारी फैक्चुअल बातें, दो चार बातें फैक्चुअल है वो मैं बता देता हूं, फिर समझने वाली बात करेंगे। राजस्थान से बाहर स्थापित होने वाले प्रजामंडल तीन है, एक तो सिरोही प्रजामंडल, और ये जो सिरोही प्रजामंडल है ये राजस्थान से बाहर स्थापित हुआ था। सिरोही के अलावा नंबर दो पर आपका प्रजामंडल हुआ था बीकानेर प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल, और बीकानेर प्रजामंडल के अलावा नंबर तीन पर आपका हुआ था भरतपुर प्रजामंडल। ये तीनों आउट ऑफ राजस्थान स्थापित हुए थे। यानी आउट ऑफ राजस्थान स्थापित होने का मीनिंग क्या है कि ये प्रजामंडल राजस्थान में सक्रिय नहीं होंगे, काम तो राजस्थान में ही करेंगे, लेकिन कहां पर बैठ करके इन संगठनों को स्थापित किया गया, तो आप बताएंगे सिरोही प्रजामंडल की स्थापना बंबई में की गई थी, यानी मुंबई में की गई थी, उस समय बंबई कहते। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहां पर की गई थी, तो अपन बताएंगे कोलकाता में की गई थी। और भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहां पर की गई थी, रेवाड़ी में की गई थी। रेवाड़ी कहां पर है? हरियाणा में है, एचआर में, कोलकाता पश्चिम बंगाल में, मुंबई महाराष्ट्र में। तो ये कोई छोटा प्रश्न इस टाइप का डाल दे कि निम्नलिखित में से प्रजामंडलों के उन युग्मों को पहचानिए जो राजस्थान से बाहर स्थापित हुए, एक दो तीन चार में कुछ लिख देगा और ऑप्शन बना देगा एक एवं दो, एक दो एवं चार, एक दो एवं तीन, केवल एक एवं तीन। तो ध्यान रखना तीन प्रजामंडल जो है राजस्थान से बाहर स्थापित हुए हैं, सिरोही, बीकानेर और आपका कौन सा भरतपुर। एक प्रश्न देखना ऐसा भी आ सकता है प्रीलिम्स के एग्जाम में कि अपनी रियासत से बाहर स्थापित होने वाले प्रजामंडल कौन कौन से है, अपनी रियासत से बाहर स्थापित होने वाले प्रजामंडल कौन कौन से हैं, तो चार है, तीन तो अपन जान ही गए, एक तो सिरोही है, सिरोही, एक प्रजामंडल आपका हो गया बीकानेर, बीकानेर के अलावा एक प्रजामंडल आपका हो गया भरतपुर, और भरतपुर के अलावा एक प्रजामंडल आपका हो जाता है, ध्यान रखना, जैसलमेर। ये चार प्रजामंडल। अब देखो रियासत से बाहर, सबसे पहले अगर मैं बात करूं सिरोही, तो सिरोही अभी अभी अपन पढ़कर आए हैं कि सिरोही की स्थापना बंबई में की गई है। नंबर दो बीकानेर, बीकानेर की स्थापना अभी अभी अपन पढ़कर आए कोलकाता में की गई है। नंबर तीन भरतपुर की स्थापना अभी अभी अपन पढ़कर आए कि रेवाड़ी में की गई है, और जैसलमेर की स्थापना राजस्थान से बाहर तो नहीं हुई लेकिन अपनी रियासत से बाहर हुई थी। रियासत से बाहर हुई इसका मतलब कहां पर हुई थी? जोधपुर में। इन दोनों प्रश्नों को रेडी रखना है। राजस्थान से बाहर स्थापित होने वाले प्रजामंडल तीन, और अपनी रियासत से बाहर स्थापित होने वाले प्रजामंडल चार। सबसे पुराना प्रजामंडल जयपुर, सबसे नया प्रजामंडल झालावाड़। क्या है प्रजामंडल? प्रजा का संगठन है और वो आंदोलन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उत्तरदायी शासन के लिए कर रहे हैं। ये सारी बातें अभी तक अपने जेहन में होनी चाहिए। नंबर दो, प्रजामंडल आंदोलन
क्या राजनीतिक जागृति का कारण नहीं है? क्या प्रजामंडल आंदोलन जो हो रहा है वो क्षेत्रीय लोगों में ये सारी चीजें समझने की बातें होगी। अब ध्यान रखना कि कब स्थापित हुआ, 31 मई, मैं फिर बता रहा हूं, वो सारी चीजें आपके उपयोगी नहीं है। मैं जितनी उपयोगी बातें होगी मैं सब बता दूंगा आपको। यू नहीं करना है कि बीच में कि फलाना प्रजामंडल का पहला अधिवेशन कब हुआ, फलाने का कब हुआ, कौन आया, कब आया, सब चीजें जो होगी क्रमबद्ध तरीके से होगी, एक एक चीज होगी। जितना मैटर आरएस के लिए चाहिएगा हिस्ट्री का, उतना मैटर मैं आपको आराम से उससे कहीं ज्यादा दे दूंगा। सबर से क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना है, इंतजार करते हुए पढ़ना है, एक साथ सारी चीजें संभव नहीं होगी। जैसे मैं एक दो कमेंट देख रहा हूं कि कब हुआ था इसका स्थापना, इसकी स्थापना, सब हो जाएगी स्थापना, सारी, एक भी स्थापना नहीं बचेगी, सारी स्थापना हो जाएगी। अब देखो अगला प्रश्न, जैसे मैं बात करूं कांग्रेस, अच्छे से जानते हैं, मैं इतना पूछ रहा हूं कि क्या कांग्रेस, ये जो प्रजा के संगठन है, जनता का जो संगठन है प्रजामंडल, इसको सपोर्ट दे रही है या नहीं कर रही? कांग्रेस क्या प्रजामंडलों को अपना सहयोगी मान रही है या नहीं मान रही? कांग्रेस क्या ये कह रही है क्या कि जो जनता ने संगठन बनाए हैं हमारा उनके ऊपर हाथ है, आप आंदोलन करो, कांग्रेस आपके साथ है? कांग्रेस ने प्रारंभिक समय में नहीं कहा था, कांग्रेस ने 1938 ईस्वी हरिपुरा अधिवेशन के पश्चात प्रजामंडलों को समर्थन दिया। हरिपुरा अधिवेशन के पश्चात प्रजामंडलों को बताओ क्या दिया? समर्थन दिया प्रजामंडल। कांग्रेस ने 1938 ईस्वी में जब हरिपुरा का अधिवेशन हुआ उसके बाद यह कहा कि हां भाई प्रजामंडल अपने सहयोगी है, प्रजामंडल अपने ही छोटे भाई है, तुम आंदोलन करो और आंदोलन के साथ साथ उत्तरदायी शासन की मांग भी करो, स्वतंत्रता की मांग भी करो, कोई भी तुम्हारी मांग होगी तो कांग्रेस आपके साथ में खड़ी है, विशेष बात याद रखना। नंबर दो, एक प्रश्न प्रीलिम्स के लिए और हो सकता है, कांग्रेस के समर्थन के बाद राजस्थान में स्थापित प्रथम प्रजामंडल कौन सा है? राजस्थान में स्थापित प्रथम प्रजामंडल कौन सा है? वैसे अगर ऑल ओवर देखा जाए तो राजस्थान में प्रथम प्रजामंडल जयपुर है, लेकिन एग्जामिनर थोड़े से अलग टाइप के सोच के होते हैं, वो उल्टा पूछेंगे, यानी वो पूछना चाह रहे हैं कि कांग्रेस के समर्थन के बाद, इसका मतलब एक ही क्वेश्चन के अंदर वो दो चीजें पूछ ले रहा है, एक तो वो पूछ रहा है कि कांग्रेस के समर्थन के बाद, यानी आपको पता होना चाहिए कि कांग्रेस ने समर्थन कब दिया, तभी आप प्रजामंडल बता पाओगे। तो अपने को पता है कि कांग्रेस ने प्रजामंडलों को 1938 में हरिपुरा अधिवेशन के बाद समर्थन दिया। अब वो कह रहा है कि कांग्रेस के समर्थन के बाद राजस्थान में स्थापित पहला प्रजामंडल, तो आप बताएंगे मेवाड़ प्रजामंडल। कौन सा प्रजामंडल होगा? मेवाड़। और मेवाड़ जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना हुई थी 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल बना, यह कांग्रेस के समर्थन के बाद बना था। ये तो बेसिक बातें थी। अब अपन अपने मूल टॉपिक पर आते हैं, ये तो कोई प्रीलिम्स वगैरह या छोटे छोटे फैक्ट पूछ सकता है, इसलिए मैं एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं, प्रजामंडल है क्या? प्रजामंडल एक बहुत गहन चिंतन और विश्लेषण वाला टॉपिक है। प्रजामंडल के अंदर कई सारी चीजें जुड़ी हुई है, प्रजामंडल के अंदर राजनीतिक जागृति जुड़ी हुई है, आपके आरएस के अंदर एक टॉपिक है पॉलिटिकल एंड सोशल अवेयरनेस, सामाजिक एवं राजनीतिक जागृति, वो इसके साथ चलेगी, क्योंकि अपन जब जयपुर रियासत के प्रजामंडल आंदोलन पढ़ेंगे तो जयपुर में प्रजामंडल की स्थापना से पहले क्या हुआ, प्रजामंडल की स्थापना से पहले कौन यहां पर काम कर रहा था, प्रजामंडल कैसे स्थापित हुआ, वो सारी बातें अपन जयपुर में पढ़ करके आएंगे। इसलिए ये टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है, यहां से बहुत अच्छे टाइप के प्रश्न बन सकते हैं, मेंस में कैसे प्रश्न बन सकते हैं, उन तमाम चीजों को पढ़ते हुए चलेंगे। लेकिन इस टॉपिक की एक बात खास बात है कि मान लीजिए अभी मैं प्रजामंडल आपको पढ़ा रहा था, आप 10 मिनट के लिए या 15-20 मिनट के लिए आप कहीं किसी जरूरी कार्य से फोन आ गया, हाँ ब्रो यार ब्रो करते करते 10-1 मिनट निकाल दिए, तो फिर वो प्रजामंडल गया भाई, उसका कोई इलाज नहीं, फिर वो चला जाएगा। दूसरा, प्रजामंडल एक सीक्वेंस में चलेंगे तो ही याद होंगे, नहीं तो आज तक प्रजामंडल याद हो ही नहीं सकते, रटना ही पड़ता फिर उनको, इसलिए सीक्वेंस से चलोगे तो सारी चीजें दिमाग में सेव हो जाएगी, और सीक्वेंस से नहीं चलेंगे तो इसमें कुछ भी याद होने वाला नहीं है, ये भी याद रखना। अब देखो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं जयपुर रियासत में प्रजामंडल या जयपुर प्रजामंडल आंदोलन
सारी चीजें क्रमबद्ध तरीके से पढ़नी है। जयपुर प्रजामंडल आंदोलन, एक एक बात क्या होती है, क्योंकि जयपुर में बैठे हैं तो सबसे पहले जयपुर के बारे में ही पढ़ेंगे। नंबर एक, प्रजामंडल आंदोलन, मूल बात क्लियर कट है कि सरकार के सामने आंदोलन करना है और उत्तरदायी शासन की स्थापना करनी है। कोई भी आदमी आंदोलन कब करता है, जब वो राजनीतिक रूप से जागरूक हो जाए, जब वो सामाजिक रूप से जागरूक हो जाए और अपने अधिकार वो समझने लग जाए कि यार अपने अत्याचारों को क्यों सहन कर रहे हैं। जब वो इनको समझने लग जाएगा तब वो आंदोलन करेगा। इसलिए पहला बिंदु आपको यही पता होना चाहिए कि जयपुर रियासत में राजनीतिक चेतना का अग्रदूत किसे कहते हैं। जयपुर रियासत में राजनीतिक चेतना का अग्रदूत किसे कहा जाता है, राजनीतिक चेतना का अग्रदूत, तब आप बताएंगे अर्जुन लाल सेठी। इन्होंने जयपुर के लोगों को सबसे पहले अवेयर करना शुरू किया। जयपुर रियासत में लोगों में अवेयरनेस लाने वाला अगर कोई पहला बंदा है तो वो है अर्जुन लाल सेठी। और अर्जुन लाल सेठी के बारे में अपन पूरा पढ़ेंगे आगे, फेमस पर्सनैलिटीज जब पढ़ेंगे कि इनका जन्म 1880 जैन परिवार में हुआ था। ये जो है ग्रेजुएशन बीए की परीक्षा पास करते हैं, जयपुर के राजा ने इनको जिलाधीश का पद ऑफर किया था और ये कहा था कि सेठी जी आप जिला कलेक्टर बन जाओ जयपुर के। तब इन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि सेठी नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को कौन भगाएगा। सेठी जी ने ही यहां पर राजनीतिक चेतना की अलग जगाई थी। उसके बाद जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हो गई थी 1931 में। और स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन है, कर्पूरचंद पाटनी। लेकिन मुझे अच्छे से याद है कि एक परीक्षा में प्रश्न था जयपुर प्रजामंडल के संस्थापक कौन है और कर्पूरचंद पाटनी विकल्प ही नहीं आया। अब परीक्षा में बैठे बैठे भाई साहब मां साहब को जो सुनाया है बैठे बैठे, सामने तो क्या ही सुनाए, लेकिन परीक्षा के अंदर बैठे बैठे कह रहे तूने इतना पढ़ाया था कर्पूरचंद पाटनी कर करके हमारा कान खराब कर दिए। और कर्पूरचंद पाटनी तो ऑप्शन में ही नहीं आया, उस दिन तो हालत ही खराब हुई थी। लेकिन क्या कर सकते हैं, कभी कभार आदमी एग्जामिनर भी भटक जाता है, मूल आंसर ऑप्शन में नहीं लिखता। परीक्षा में प्रश्न आ गया था गुलाबी गणगौर, पूरी दुनिया जानती है कि भाई नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है, लेकिन ऑप्शन ही नहीं आया नाथ द्वारा। इसलिए कभी कभार अन्य सदस्य जो इनके सहयोगी होते हैं उनका ऑप्शन आ जाता है। तो गुलाबी गणगौर का जब प्रश्न आया तब नाथ द्वारा विकल्प में नहीं था, तो ऑप्शन में था उदयपुर जोधपुर बीकानेर कोटा। अब जो आदमी थोड़ा बहुत भी कौन सा सेंस लगाता, कॉमन सेंस लगाता, वो उस प्रश्न को गलत नहीं करता। क्योंकि जब अपने घर पर कोई बंदा नहीं होता है, कोई शादी का कार्ड देना है मान लीजिए अपने गांव में, और अपने घर पर कोई मिला ही नहीं, तो वो शादी का कार्ड फाड़ के चला जाएगा या पड़ोसी का देगा कि ये पकड़ो, जब भैया आए तब उनको बोल देना ये शादी का कार्ड है और शादी में आना। तो पड़ोसी भी कभी कभार काम आते हैं, और कभी कभार क्या पड़ोसी तो काम आते ही रहते हैं, और पड़ोसी को तो साथ अपना संबंध हमेशा अच्छा ही होना चाहिए। इसलिए इनके जो सहयोगी है उनके नाम भी आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। कर्पूरचंद पाटनी के अलावा इस प्रजामंडल की स्थापना में इनका जो सबसे प्रमुख सहयोगी था वो था दौलतमल भंडारी। ध्यान रखना दौलतमल भंडारी के अलावा आपको एक नाम याद रखना, रामकरण जोशी। कर्पूरचंद पाटनी, दौलतमल भंडारी, रामकरण जोशी, चिरंजीलाल मिश्र। ऐसे और भी कई सहयोगी थे, इन सब ने मिलकर के जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। अगर ऑप्शन में कर्पूरचंद पाटनी है नहीं है तो आंसर पर दौलतमल भंडारी माना गया। अगर दौलतमल भंडारी भी नहीं है, रामकरण जोशी वो भी नहीं है, चिरंजी लाल मिश्र और कोई भी नहीं है, तो भाई रे फिर तो इससे ज्यादा किस्मत तो क्या ही खराब होंगे कि चर-चर बता दिए और उनमें भी एक भी ऑप्शन में नहीं आ रहा है। पटवारी के लिए कुछ बताओ, राजस्थान के लिए प्रभु मैं कह चुका हूं, पटवारी ग्राम सेवक वीडियो के लिए आप अपने जो मेन चैनल है उस पर जाइए, ये चैनल RS के अकॉर्डिंग बातचीत हो रही है। मैं आपको शुरुआत से कह रहा हूं, फिर एक बंदा कह रहा कि मां साहब ट्रिक नहीं बताई आपने जब महावी होती दो देती, अरे प्रभु मैं सब बता दूंगा, लेकिन मैंने अभी यहां पर प्रजामंडल आपको RS के अकॉर्डिंग, हालांकि ये चीजें सब परीक्षाओं में काम आएगी,
पटवार में भी काम आ जाएगी, वीडियो में भी आ जाएगी, लेकिन मेरा मूल कंसेप्ट यहाँ पर केवल आरएस प्रतियोगियों के लिए क्लास लेना है इस चैनल के ऊपर, जो इसलिए मेरे सभी भाइयों से निवेदन है कि पटवारी के लिए क्या है, ग्राम सेवक के लिए क्या है, वो सारी चीज़ें इस सेशन में डिस्कस नहीं करें। मैं अलग सेशन में मेन चैनल पर या अपने अलग चैनल पर क्लास लेकर उसके बारे में बातचीत कर लेंगे, यहाँ पर केवल अभी सिस्टमेटिक ढंग से चलने दें। अब देखो, स्थापना हो गई, स्थापना के अलावा कर्पूरचंद पाटनी, दौलतमल भंडारी, ये सारे सदस्य याद रखना है। अब प्रजा मंडल जिस स्थापना के लिए, जिस उद्देश्य के लिए स्थापित हुआ था, प्रजा मंडल उस तरीके से काम कर नहीं पा रहा था। प्रजा मंडल की स्थापना का उद्देश्य था उत्तरदायी शासन, लेकिन प्रजा मंडल में उतनी तेजी आ नहीं पा रही थी, इसलिए जयपुर प्रजा मंडल का पुनर्गठन किया गया। जयपुर प्रजा मंडल का पुनर्गठन किया गया 1936 में जयपुर प्रजा मंडल का पुनर्गठन किया गया। किसके द्वारा किया गया? जमनालाल बजाज के द्वारा किया गया। और जमनालाल बजाज द्वारा 1936 में पुनर्गठन किया गया, और इस प्रजा मंडल का अध्यक्ष बनाया गया, बताओ किसको? चिरंजी लाल मिश्र को अध्यक्ष बनाया गया। इनको जयपुर प्रजा मंडल का अध्यक्ष बनाया गया। प्रजा मंडल को संगठित किया गया, कार्यकर्ताओं को संगठित किया, और संगठित करके एक दो साल में कार्यकर्ताओं में राजनीतिक चेतना लागी गई। उसके बाद जयपुर प्रजा मंडल का प्रथम अधिवेशन आयोजित किया गया। और प्रथम अधिवेशन जो आयोजित हुआ था वो याद रखना दो दिन हुआ था, एक तो 5 और 6 मई 1938 कहां पर आयोजित हुआ था? नतमलजी का कठेला। ये जयपुर में एक जगह है, नतमलजी का कठेला, यहां पर एक सम्मेलन का आयोजित हुआ, नतमलजी का कठेला, यहां पर पहला अधिवेशन होता जयपुर प्रजा मंडल का। नंबर दो, इस प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तब आप बताएंगे, इस प्रजा मंडल की अध्यक्षता की गई थी जमनालाल बजाज के द्वारा। यहां पर भी कई लोग गलती करेंगे। कैसे गलती करेंगे? परीक्षा में प्रश्न आएगा कि जयपुर प्रजा मंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन बने, प्रथम अध्यक्ष, तो कई लोग जमनालाल बजाज टीका कराएंगे, ध्यान रखना, जयपुर प्रजा मंडल के प्रथम अध्यक्ष जो बन रहे हैं चिरंजीलाल मिश्र बन रहे हैं, और प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बन रहे हैं? तब आप बताएंगे, प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष बन रहे हैं जमनालाल बजाज बन रहे अधिवेशन के अध्यक्ष था। और इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नेता जिसने भाग लिया वो थी कस्तूरबा गांधी। नाम तो सुना लग रहा है, कस्तूरबा गांधी इस अधिवेशन में भाग लेने के लिए आई। मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि राष्ट्रीय नेता का यहां आने का क्या अभिप्राय है। आगे अपन मेवाड़ में चलेंगे तो मेवाड़ में भी राष्ट्रीय नेता जेबी कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित भाग लेने के लिए आएंगे, यहां पर भी राष्ट्रीय नेता कस्तूरबा गांधी भाग लेने के लिए आ रही है, तो इसका क्या अभिप्राय क्या है? राष्ट्रीय नेता क्या यहां पर जनता की लड़ाई को लड़ेंगे? भाई प्रजा मंडल आंदोलन मतलब अपने नेता आंदोलन कर रहे हैं, प्रजा के लिए आंदोलन कर रहे हैं, उत्तरदायी शासन के लिए आंदोलन कर रहे हैं, तो राष्ट्रीय नेताओं से क्या अभिप्राय हो गया? अपन को हर आंदोलन में पढ़ना पड़ेगा कि नेहरू जी इसमें आए, सुभाष चंद्र बोस मारवाड़ में गए, जेबी कृपलानी यहां आए। किसी भी प्रजा मंडल के अधिवेशन में राष्ट्रीय नेता के आने का अभिप्राय यह होता। सरल सा आप यूं समझ लो, जब आरएस का सेमिनार होता है, आरएस के सेमिनार के अंदर अपन देखते हैं कि जो सिलेक्टेड बंदे हैं, फर्स्ट रैंकर्स, सेकेंड रैंकर्स या टॉप 10 में जो लेटेस्ट सिलेक्शन हुए हैं, वो आकर के आपको बताते हैं कि आपको ये करना है, ऐसे पढ़ना है, कुछ ये पढ़ना है, इतने घंटे पढ़ना है, इस सब्जेक्ट पर इतना ध्यान देना है, तो उनके आने से क्या प्रभाव पड़ा? क्या वो पढ़ाएंगे? पढ़ाना तो अपने को है ना, आप बैठे रहोगे, मैं पढ़ाऊंगा, आप बैठे रहोगे तो आप और मेरा इंट्रोडक्शन होगा, लेकिन उनके आने से आपके अंदर एक अलग टाइप का मोटिवेशन मिलता है। आपको लगता है कि यार ये अभी लेटेस्ट सिलेक्ट होके आया है, लेटेस्ट, अब हम तो पुराने आदमी हो गए, तो आपको लगेगा अगर ये तो पुराने जमाने के आदमी, यार इनकी खूब ही बातें सुनते हैं, हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो 100-110 घंटे तक इनको सुनना ही है, तो आज कुछ लोग आएंगे थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलेगा, इसलिए वो सिलेक्टेड बंदे आकर आपको रणनीति बताते हैं, यूं करना है, ऐसे करना है, बाकी पढ़ना तो आप और हमें ही होता है। सेम वैसे ही राष्ट्रीय नेता आकर जब यहाँ के लोगों को भाषण देंगे, यहाँ के लोगों को बताएंगे कि तुम्हें ये करना है, तो उनको लगेगा कि हाँ यार, राष्ट्रीय वाले नेता भी अपने साथ है और यहाँ वाले जो लोग हैं वो तो है ही है, इसलिए इस आंदोलन में राष्ट्रीय जो नेता है वो बताओ कौन आए थे? कस्तूरबा गांधी।
ये लो भाई कस्तूरबा गांधी। जैसे ही प्रथम अधिवेशन हुआ नतमल जी के कठेला नामक स्थान पर, उसके बाद कस्तूरबा गांधी ने एक महिलाओं का सम्मेलन भी आयोजित किया और महिलाओं को भी कहा कि तुम्हें तुम्हारे अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए, घर बैठने से कुछ नहीं होगा। और जयपुर आंदोलन के दौरान कई महिलाएं सक्रिय हो गई, कई महिलाएं सक्रिय हो गई और अपने अधिकारों की मांग करने लगी कि हमें सरकार में ये दिया जाए, हमारे ये टैक्स माफ किया जाए, हमें सरकार में जगह दी जाए, कौन होते हो आप इन दिनों से शासन करने वाले, आप हमारा खून कैसे चूस सकते हो, तरह तरीके के नारे दिए गए। कई सारी महिलाएं एक्टिव हुई प्रथम अधिवेशन के बाद और उनमें से मुख्य नाम रत्ना शास्त्री का है, विद्या देवी का है, सुशीला देवी का है, सुमित्रा देवी का है, ऐसी में सारी महिलाएं लिखवाऊंगा। यानी नतमल जी कटेला के बाद में कस्तूरबा गांधी ने महिलाओं को भी जागृत किया। अब देखो जैसे ही पहला मीटिंग हुई 38 में, यहां की सरकार को लगने लगा कि यार मामला गड़बड़ होगा, लोग जाग रहे हैं, लोग आंदोलन करेंगे। इसलिए स्थानीय सरकार ने 1938 के अंदर ही 1938 ईस्वी में जयपुर प्रजा मंडल को प्रतिबंधित कर दिया, जयपुर प्रजा मंडल को बैन कर दिया, गैर कानूनी घोषित कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया। प्रतिबंधित कर दिया मतलब गैर कानूनी कर दिया। गैर कानूनी घोषित करने का मतलब यह होता है कि जयपुर प्रजा मंडल के ऊपर इस टाइप का एक जो है आदेश जारी कर दिया कि इस प्रजा मंडल को हम नहीं मानते, सरकार इस प्रजा मंडल की कोई बात नहीं सुनेगी, ये जाने इनके काम जाने। इतने दिन तक तो हम मानते थे कि ये कोई जनता के काम, जनता का काम करने वाला कोई संगठन है, इसलिए हम बात सुन रहे थे। अब अगर प्रजा मंडल हमारे पास कोई डिमांड लेके आएगा तो हम सुनने वाले नहीं है। प्रजा मंडल को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। कब? 1938। कारण यह था कि जयपुर प्रजा मंडल के प्रथम अधिवेशन के बाद लोग एक तरीके से नई ऊर्जा का संचार कर रहे थे, अपने अधिकारों की मांग के लिए सड़कों पर आने को तैयार थे। साथ के साथ केवल प्रतिबंधित ही नहीं किया, यह भी कहा कि जमनालाल बजाज जयपुर में प्रवेश नहीं करेंगे, जमनालाल बजाज के जयपुर प्रवेश पर रोक, जमनालाल बजाज के जयपुर प्रवेश पर बताओ क्या लगा दी गई रोक। इन्होंने कहा कि आप जमनालाल बजाज, क्योंकि पूरा खेल करवाने वाले कौन है भाई, अधिवेशन करवाने वाले कौन है, कस्तूरबा गांधी को बुलाने वाले कौन है, जमनालाल बजाज गांधी जी के पांचवे पुत्र है। गांधी जी के जो समाचार पत्र चलते थे यंग इंडिया वगैरह वगैरह वगैरह, वो सब जमनालाल बजाज की फाइनेंशियल हेल्प भी वहां पर हुआ करती थी, जमनालाल बजाज के आर्थिक सहयोग से ये सारा काम हो रहा था। अब गांधी जी के जब खास बंदे हैं तो कस्तूरबा गांधी वगैरह, नेहरू जी वगैरह सब आने ही आने थे, इसलिए जमनालाल बजाज के जयपुर प्रवेश पर रोक लगा दी। जैसे ही जमनालाल बजाज के जयपुर प्रवेश पर रोक लगाई, यहां पर जयपुर में सत्याग्रह आंदोलन शुरू हो गया। 1939 जयपुर में कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ? सत्याग्रह आंदोलन। क्रम से याद रखना, 1939 जयपुर में सत्याग्रह आंदोलन, महात्मा गांधी जी ने हस्तक्षेप किया, लोगों को कहा कि नहीं तुम्हें सत्याग्रह नहीं करना है, सत्याग्रह को कैंसिल किया गया और गांधी जी के हस्तक्षेप से 1939 ईस्वी में जयपुर प्रजा मंडल को पुणे बहाल कर दिया गया, पुणे कानूनी दर्जा दिया गया। पुणे बताओ कौन सा दर्जा दिया गया? कानूनी दर्जा। देखना मेंस में जब मैं अभी प्रश्न लिखवाऊंगा थोड़ी देर बाद, कई लोगों को पता ही नहीं लगेगा कि क्या हो गया जयपुर प्रजा मंडल में, कब क्या हो गया। अब तक अपन क्रम से पढ़ रहे हैं कि 31 में प्रजा मंडल एस्टेब्लिश हुआ, 36 में प्रजा मंडल का पुनर्गठन हुआ, 38 में प्रजा मंडल का क्या हुआ था, आपके प्रथम अधिवेशन हुआ, और आपका 39 के अंदर प्रजा मंडल जो 38 के अंदर ही प्रजा मंडल को गैर कानूनी घोषित किया और 39 के अंदर प्रजा मंडल जो है इसको वापस कानूनी दर्जा दे दिया गया। जैसे ही 1939 में जयपुर प्रजा मंडल को कानूनी दर्जा मिला, मिलते ही प्रजा मंडल का दूसरा अधिवेशन हो गया। प्रजा मंडल का दूसरा अधिवेशन कब हुआ तब आप बताएंगे। प्रजा मंडल का दूसरा अधिवेशन हुआ 1940 में, ज्यादा उपयोगी नहीं है बस याद रख लेना। प्रजा मंडल का जो तीसरा अधिवेशन है यह हुआ 1941 में, अधिवेशन हुआ 1941 में। कहां पर हुआ तो आप बताएंगे, यह हुआ था सीकर में। यहां थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो गया। यहां मामला गड़बड़ क्या हो गया, जयपुर प्रजा मंडल का जब तीसरा अधिवेशन हो रहा था तब यहां पर जमनालाल बजाज ने घोषणा कर दी कि अब हम किसान आंदोलनों को भी सपोर्ट करेंगे, किसान आंदोलनों को भी बताओ क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। बुज बूंदी 1931, किक्सी करौली, किशनगढ़ सिरोही 36। अरे प्रभु, ये अभी तक तुम नहीं सुधर रहे हो रे, तुम्हारी आदत सुधार लो, ये छोड़ो किक्सी फिक्सी, हवाई नहीं लगेगी किक्सी की, ध्यान रखना, अभी छोड़ दो पुरानी बातें और नए सिरे से अच्छे कंटेंट के साथ पढ़ो।
अब किकसी हुआ था, 12 मार्च को हुआ था, 19 जून को हुआ था। मैं कह रहा हूं कि जब प्रश्न कलम नहीं चलेगी, कलम वो जमाना गया, वो प्रधान है राजस्थान, यहां वक्त के साथ जो बदला नहीं है, वक्त ने खपेड़ों ने उसको ऐसा बदला है, इसलिए समय रहते संभल जाओ। किकसी फिकसी माँ हावी होती दो देती, ये दो देगी, माँ हावी होती दो देती। अब आप आरएस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसको थोड़ा सा मेंटलिटी सोच थोड़ा सा बदलो, क्रम से पढ़ो। प्रजामंडल का तीसरा अधिवेशन 1941 में बताओ कहां पर हुआ था, जयपुर में, सॉरी सीकर में। इस अधिवेशन में मामला गड़बड़ क्या हुआ, मामला गड़बड़ ये हुआ कि यहां पर जमनालाल बजाज ने कहा कि अब हम किसान आंदोलन को समर्थन देंगे। जैसे ही किसान आंदोलन को समर्थन देने की घोषणा की, एक वर्ग नाराज हो गया, बोला नहीं कौन सी किसानों की क्या बात हो गई, किसान अपना आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि सेकावाटी में स्वतंत्रता तक किसान आंदोलन तो लगातार चल ही रहते, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी। इसलिए जमनालाल बजाज किसानों का समर्थन करने के लिए कह रहे थे, लेकिन एक वर्ग जिनमें से ज्यादातर नेता शहरी क्षेत्र से संबंधित थे, उनको ने कहा कि नहीं भाई, इसमें हम किसानों को सम्मिलित नहीं करेंगे, किसान अपना मैटर जाने, वो जाने, अपने को अभी जो शहरी क्षेत्र और अन्य लोगों की जनता है उसके अधिकारों की मांग करनी चाहिए। जमनालाल बजाज अड़ गए, बोला किसान आंदोलन को प्रजामंडल के प्रत्येक नेता द्वारा सपोर्ट करना चाहिए। इस बात से नाराज हो गए चिरंजी लाल मिश्र। तीसरे अधिवेशन के समय चिरंजी लाल मिश्र नाराज हो गए, उन्होंने कहा कि नहीं, हम हमारा अलग संगठन बना लेंगे। और चिरंजी लाल जो मिश्र है, वो चिरंजी लाल मिश्र अपना नया संगठन बना लेते हैं जिसका नाम है जयपुर प्रगतिशील दल। जिसका नाम क्या है, जयपुर प्रगतिशील दल, जयपुर प्रगतिशील दल, जयपुर प्रगतिशील दल नामक एक नया संगठन बना लेते हैं और नया संगठन बना करके इस जयपुर रियासत में राजनीतिक चेतना का काम शुरू कर देते हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि जब प्रजामंडल के कुछ नेता टूट करके अलग हो गए, जब प्रजामंडल के कुछ नेताओं ने एक नया संगठन बना लिया, प्रजामंडल मजबूत होगा या कमजोर होगा, स्वाभाविक सी बात है प्रजामंडल कमजोर होगा। प्रजामंडल को जोर का झटका धीरे से लगा, कब लगा, 1941 में, बिखर गया। संगठन में शक्ति है, जब तक संगठन है तब तक सरकार भी डरेगी, नॉर्मल लोग भी डरेंगे, और जिस दिन आदमी कमजोर पड़ा नहीं, ये लोग आपकी कॉलर तक पकड़ने का काम कर लेंगे। इस दुनिया के अंदर हमेशा मजबूत बनकर के रहना, प्रजामंडल टूट चुका है, जयपुर प्रगतिशील दल नामक नया संगठन बन चुका है। जैसे ही जयपुर प्रगतिशील दल बना, जमनालाल बजाज ने प्रजामंडल को पुनः संभालने का काम किया, लोगों की डिमांड्स को आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन ईश्वर के आगे किसकी चलती है, 1942 के अंदर जमनालाल बजाज का निधन हो गया। जमनालाल बजाज का क्या हो गया, निधन, जमनालाल बजाज का निधन, जमनालाल बजाज का निधन। जो जयपुर प्रजामंडल के कर्ता धर्ता थे, वो अब इस दुनिया को छोड़कर चले गए। जयपुर प्रजामंडल को दूसरा जोर का झटका धीरे से लगा। पहले 41 के अंदर प्रजामंडल टूटा, नया संगठन बना प्रगतिशील दल, 42 में नेताजी चले गए। अब जब जमनालाल बजाज जो है वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए, तो प्रजामंडल के संचालन की जिम्मेदारी आई हीरालाल शास्त्री पर। संचालन की जिम्मेदारी बताओ किसके ऊपर आई, हीरालाल शास्त्री के ऊपर। हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री प्रजामंडल के संचालन की जिम्मेदारी ले रहे हैं। लेकिन 1942 में ही आप अच्छे से जानते हैं भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन। और आप अच्छे से जानते हैं कि सरकार हर हाल में चाहती थी कि भारत छोड़ो आंदोलन को असफल किया जाए, और भारत छोड़ो आंदोलन को असफल करने के लिए इन अंग्रेजों ने मिलकर के एक उचित योजना बनाई। इनको पता था कि ये जो प्रजामंडल वाले जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, जो अलग अलग रियासतों में जयपुर की जनता अलग आंदोलन कर रही है, जैसे जयपुर प्रजामंडल, मारवाड़ की जनता मारवाड़ प्रजामंडल, हाड़ोती की जनता हाड़ोती प्रजामंडल, तो इन प्रजामंडलों को इस स्वतंत्रता आंदोलन यानी भारत छोड़ो आंदोलन से अलग रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन से अलग कैसे रखें, यहां जयपुर के एक प्रधानमंत्री थे मिर्जा इस्माइल, जिनके सम्मान में जयपुर में एमआई रोड बनी है। कभी जयपुर आए हो तो एमआई रोड पर गए होंगे। मिर्जा इस्माइल ये जयपुर के प्रधानमंत्री थे, ये प्रजामंडल के मुख्य नेता। प्रजामंडल के मुख्य नेता बताओ कौन, हीरालाल शास्त्री। इनके पास जाते और हीरालाल शास्त्री को कहते हैं कि शास्त्री जी क्यों लड़ रहे हो तुम, क्या प्रॉब्लम क्या तुमको, हमें बताओ, हम आपके भाई हैं, छोटी मोटी कोई बात है तो मिल बैठ करके सोल्व कर लेंगे, ऐसे तुम नाराज होके घूम रहे हो, क्या बात क्या है। हीरालाल शास्त्री ने कहा बात कोई नहीं है, बात एक ही है,
बात यह है कि हमें उत्तरदायी शासन चाहिए, हमें सरकार में जिम्मेदारी चाहिए, हमें सरकार में हिस्सेदारी चाहिए, ताकि हम यहाँ के लोगों के दुख दर्दों को समाप्त कर सके, किसानों की बातों को हम मान सके। हमें सरकार चलाना है। खूब चला ली तुमने सरकारें, अब हमें सरकार में जगह दो, उत्तरदायी शासन दो हमें। हीरा लाल शास्त्री को इसने समझाया, मिर्जा इस्माइल ने बोला ये काम तो बिना लड़े भी हो सकता है, लड़ना क्या जरूरी है, और तुम भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लोगे? हीरा लाल शास्त्री ने कहा बिल्कुल लेंगे, भगाएंगे इनको सबको। इन्होंने कहा कि नहीं, आप अगर भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेते हो तो आओ बैठ करके बात करते, उत्तरदायी शासन स्थापित कर देंगे, तुम चिंता क्यों कर रहे हो। और हीरा लाल शास्त्री को लगा कि यार सोने पे सुहागा हो गया, बिना लड़े ही अपने को सरकार में जगह मिल रही है, उत्तरदायी शासन की स्थापना हो रही है। हीरा लाल शास्त्री ने कहा ओके, पक्का करोगे तुम? इन्होंने कहा पक्का करेंगे। बोला आजा बात करते हैं। हीरा लाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के बीच में एक समझौता होता है जिसे अपने इतिहास में कहते हैं जेंटलमैन एग्रीमेंट। कौन सा एग्रीमेंट है? जेंटलमैन एग्रीमेंट। कब होता है तो आप बताएंगे, जेंटलमैन एग्रीमेंट होता है 1942। किस किस के मध्य होता है तो मध्य याद रखना, हीरा लाल शास्त्री और हीरा लाल शास्त्री के सामने बताओ कौन थे? मिर्जा इस्माइल के मध्य, हीरा लाल शास्त्री एवं मिर्जा इस्माइल। कौन है हीरा लाल शास्त्री? जयपुर प्रजामंडल के मुखिया है। और मिर्जा इस्माइल कौन है तो आप बताएंगे, मिर्जा इस्माइल जो है आपके जयपुर के प्रधानमंत्री है। ठीक बात है। क्या है समझौता जेंटलमैन में? चार पांच प्रमुख शर्तें ध्यान रखना। अगर कोई पूछ ले कि जेंटलमैन एग्रीमेंट के शर्तों का बताइए, तो सबसे पहला जेंटलमैन एग्रीमेंट की शर्त नंबर एक, जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भागे नहीं लेगा। जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भागे नहीं लेगा, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा, शर्त नंबर एक। अब जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा, ठीक है, लेकिन बदले में अंग्रेज क्या करेंगे? जयपुर में उत्तरदायी शासन की स्थापना करेंगे। जयपुर में उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाएगी, उत्तरदायी शासन की स्थापना। यानी यहां की सरकार कह रही है कि अगर आप भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं हो जाओ होगे तो हम आपके यहां उत्तरदायी शासन की स्थापना कर लेंगे, शर्त नंबर एक हो गई। नंबर दो, हीरा लाल शास्त्री ने कहा देखो हम कांग्रेस का झंडा लगाएंगे। ये नहीं है कि तुम कल को कह दो कि भारत छोड़ो आंदोलन में आप कांग्रेस का झंडा भी नहीं लगा सकते। यानी सरल सा मैं यूं कहूं तो इन्होंने कहा कि हम सांकेतिक प्रदर्शन करेंगे, हमारे प्रदर्शन में केवल दिखावा होगा, सांकेतिक प्रदर्शन करेंगे। सरकार ने कहा कोई दिक्कत नहीं। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण शर्त थी, इन्होंने कहा कि अगर भारत छोड़ो आंदोलन में क्रांति करने वाला कोई क्रांतिकारी अगर जयपुर आ जाता है तो सरकार उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं करेगी। शर्तों को जान से समझना, जेंटलमैन एग्रीमेंट की शर्त नंबर एक, जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भागे नहीं लेगा, ठीक है। अब भाग नहीं लेगा तो उसके बदले में सरकार क्या करेगी? जयपुर में उत्तरदायी शासन की स्थापना करेगी। शर्त नंबर तीन, कोई भी प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन जहां अन्य क्षेत्रों पर हो रहा है और वहां का कोई आंदोलनकारी जयपुर आ गया तो जयपुर सरकार उस पर कोई कार्यवाही नहीं करेगी, ध्यान रखना। नंबर चार, जयपुर सरकार ने कहा कि भाई हम कार्यवाही नहीं करेंगे उन पर, लेकिन तुम उन क्रांतिकारियों को धन की सहायता और हथियारों की सहायता उपलब्ध नहीं करवाओगे। प्रजामंडल वालों ने कहा कि ओके नहीं करवाएंगे। ऐसी लंबी लंबी पांच सात जो शर्तें थी वो रखी गई और रख करके ये कहा गया कि भाई अब ये जेंटलमैन एग्रीमेंट होता है और जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भागे नहीं लेगा। ये बात किसने कही? हीरा लाल शास्त्री ने कही। और हीरा लाल शास्त्री ने जेंटलमैन एग्रीमेंट करके इस प्रजामंडल को भारत छोड़ो आंदोलन से अलग कर दिया। शास्त्री जी जैसे ही समझौता करके बाहर निकलकर प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं को बताया कि अब अपने को भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेना है, कार्यकर्ता भड़क गए, बोला क्यों? भारत छोड़ो आंदोलन तो अपना मेन आंदोलन है, भाग क्यों नहीं लेना है? उन्होंने कहा कि मैंने एक समझौता कर लिया है, जेंटलमैन एग्रीमेंट, और अब इस जेंटलमैन एग्रीमेंट होने के पश्चात मैंने ये निर्णय ले लिया है कि जयपुर में उत्तरदायी शासन की स्थापना हो जाएगी बिना लड़े ही, इसलिए अपने को केवल सांकेतिक प्रदर्शन करना है, अपने को भाग नहीं लेना है। जो उग्र क्रांतिकारी थे उन्होंने कहा कि नहीं, ये कैसे हो सकता, आपने समझौता कर लिया इसका मतलब ये कैसे हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन में हम भाग लेंगे। शास्त्री जी ने खूब मनाया कि भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। कुछ कार्यकर्ता मान भी गए, लेकिन कुछ कार्यकर्ताओं का वर्ग कह रहा था कि हम तो भाग लेंगे। उग्र थे और उन्होंने कहा कि भाग लेगो तो प्रजामंडल तो भाग ले नहीं रहा, तुम अलग से ले लो तुम्हारा भाग। और अतः बाबा हरिश्चंद्र नाराज होकर के एक नया संगठन बना लेते हैं और उस संगठन का नाम था आजाद मोर्चा।
आजाद मोर्चा का क्या किया गया, गठन किया गया। कब किया गया? 1942 के अंदर। प्रजामंडल को तीसरा झटका लगा। प्रजामंडल को तीसरा झटका किसके गठन से लगा? आजाद मोर्चा का गठन। और आजाद मोर्चा की स्थापना बताओ किसके द्वारा की गई थी? तब आप बताएंगे बाबा हरीशचंद्र के द्वारा की गई थी। बाबा हरीशचंद्र के द्वारा आजाद मोर्चा का क्या किया गया था, गठन किया गया था। अन्य सदस्य कौन कौन थे इसमें? अभी एक परीक्षा में, यहां से भी प्री का है, कोई छोटा मोटा वनडे का एग्जाम था, उसमें प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य आजाद मोर्चा में नहीं है। आजाद मोर्चा में नहीं है तो अपन सीधा सीधा बताएंगे कि आजाद मोर्चा का सदस्य एक तो था गुलाबचंद कासलीवाल। गुलाबचंद कासलीवाल इसमें शामिल थे, गुलाबचंद कासलीवाल थे। हंस डी राय इस आजाद मोर्चा में शामिल थे। हंस डी राय दौलतमल भंडारी थे, दौलतमल भंडारी जो संस्थापक सदस्य भी रहे हैं वो भी इसमें थे। रामकरण जोशी वो भी इसमें थे। रामकरण जोशी के अलावा आपके टीकाराम पालीवाल वो भी इसमें थे। यानी ये जो तमाम क्रांतिकारी है ये प्रजामंडल से अलग हो चुके हैं और अपना एक नया संगठन बना चुके हैं जिसका नाम है आजाद मोर्चा। अब प्रजामंडल आंदोलन में भाग नहीं ले रहा है और आजाद मोर्चा आंदोलन में भाग ले रहा है, इसका मतलब प्रजामंडल कमजोर है या मजबूत है। प्रजामंडल को पहला झटका लगा 1941 में जब चिरंजी लाल मिश्र अलग होकर कौन सा दल बना लेते हैं, जयपुर प्रगतिशील दल बना लेते हैं। और जयपुर प्रगतिशील दल बनाने के बाद में वहां पर प्रजामंडल बिखर गया। दूसरा झटका लगा 1942 में जब जमुना लाल बजाज का निधन हो गया। और तीसरा झटका फिर से जोर का झटका धीरे से लगा, बाबा हरिश्चंद्र ने कौन सा मोर्चा बना लिया था, आजाद मोर्चा बना लिया था। अब आजाद मोर्चा के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा है। अब आप मुझे एक बात बताइएगा, क्या जयपुर की सरकार अब उत्तरदायी शासन की स्थापना करेगी या जयपुर की सरकार उत्तरदायी शासन की स्थापना नहीं करेगी, ये बता दो। क्योंकि प्रजामंडल ने कहा था कि हम भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेंगे, आप हमारे यहां उत्तरदायी शासन स्थापित कर दो। जयपुर वालों ने कहा कि ठीक है तुम मत लेना भाग, हम यहां तुम्हारे उत्तरदायी शासन स्थापित कर देंगे। लेकिन शास्त्री जी की ये बात कुछ कार्यकर्ता मान ही नहीं रहते। कुछ कार्यकर्ताओं ने कहा कौन होते हो आप समझौता करने वाले, हम तो लेंगे भारत छोड़ो आंदोलन में। और नया संगठन बना लिया था आजाद मोर्चा। अब सरकार क्या कमजोर पक्ष की बात को सुनेगी या कमजोर पक्ष की बात को नहीं सुनेगी, आप तो सीधा सीधा बताओ। झटका लगा, हाँ गुलाबचंद राय कासलीवाल रामकरण जोशी ये सब हो गए ऑफिसर गुर्जर। फटाफट कमेंट करके बताओ, मैं पानी पी रहा हूं तब तक। क्या सरकार जयपुर के कार्यकर्ताओं की बात सुने प्रजामंडल के या नहीं सुने? हाँ, 1945 में जयपुर में धार सभा का गठन किया। हाँ धार सभा का गठन करेंगे, लेकिन अब जयपुर पर, जयपुर की जो सरकार है प्रजामंडल की बात पर ज्यादा गौर नहीं कर रही है, ध्यान रखना। प्रजामंडल की बात को नहीं मान रही क्योंकि उनको पता कि यार अब इनके पास कुछ बचा ही नहीं। और कमजोर आदमी की वैसे भी बात सुनता कौन है, कमजोर पड़ चुका है प्रजामंडल। आधे कार्यकर्ता आंदोलन कर रहे हैं, आधे कार्यकर्ता आंदोलन नहीं कर रहे हैं। इसलिए जो जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था, इसको अवेल ना कर देती है जयपुर की सरकार। शास्त्री जी ने कहा कि यार तुमने तो कहा था ना कि हम उत्तरदायी शासन स्थापित करेंगे। शास्त्री जी को रिप्लाई मिला स्थानीय सरकार द्वारा। मिर्जा इस्माइल ने शास्त्री जी को बुलाया और कहा कि शास्त्री जी ये उम्मीद नहीं थी आपसे कि आप प्रजामंडल को भी नहीं संभाल पाओगे और अब आप वापस हमारे पास डिमांड देके आए कि उत्तरदायी शासन हमें सरकार में जगह दो। कोई जगह नहीं है, भूल ही जाना। आपका अलग से आजाद मोर्चा आंदोलन में भाग ले रहा खुले तौर पर और आप कह रहे हो कि उत्तरदायी शासन नहीं बात बनती है, कोई बात पर सुनवाई नहीं होती है। जब नहीं होती है तो ना तो आजाद मोर्चा उधर सफल हो पा रहा है, ना जयपुर प्रजामंडल सफल हो पा रहा है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू 1945 जयपुर आते हैं और जयपुर आकर के और जयपुर की जब परिस्थितियों को देखा तो उनको लगा कि यार जयपुर का जो आंदोलन है प्रजामंडल आंदोलन वो तो पूरी तरीके से बिखरे हुए स्वरूप में है। आजाद मोर्चा अलग लड़ रहा है, प्रजामंडल अलग लड़ रहा है, प्रगतिशील दल उधर अलग ही लड़ रहा है। नेहरू जी ने इन तमाम कार्यकर्ताओं को बुलाया, आजाद मोर्चा वालों को इधर बुलाया, बोला आजाद मोर्चा वालों तुम आओ पहले इधर। आजाद मोर्चा कौन कौन आजाद मोर्चा में? बाबा हरिश्चंद्र है, दौलतमल भंडारी है, रामकरण जोशी है, हंस डी राय है, गुलाबचंद कासलीवाल है, इन सब को बुलाया, बोला इधर और बैठो सारे के सारे बैठो।
फिर इधर प्रजामंडल वालों को बुलाया, बाकी जो नेता हीरालाल शास्त्री और उनके जो सहयोगी थे वो प्रजामंडल में, तो इनको बुलाओ तुम भी बैठो, और इनको समझाया कि तुम छोटी क्लास में थे तब तुमने कहानी नहीं पढ़ी कि एक लकड़हारा था, उन्होंने लकड़ियों की गठरी नहीं तोड़ी थी, तुम्हें पता नहीं है कि उसका मॉरल था संगठन में ही शक्ति है, बिखरे हुए रहोगे तो कोई कुचल के चल जाएगा, एक साथ रहोगे तो संगठन में शक्ति रहेगी और तुम मिल जाओ दोनों वापस। नेहरू जी ने दोनों संगठनों को समझा करके इस आजाद मोर्चा और प्रजामंडल का पुणे विलय करवा दिया, और पुणे विलय करवा करके जयपुर प्रजामंडल का नवीनीकरण कर दिया गया। यानी जयपुर प्रजामंडल का नवीनीकरण कब किया गया तो आप बताएंगे, नवीनीकरण किया गया 1945 में। किसकी मध्यस्थता से किया गया तो आप बताएंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू की मध्यस्थता से किया गया। कैसे किया गया तो आप बताएंगे कि जयपुर प्रजामंडल एवं आजाद मोर्चे का 1945 में पुणे, बताओ क्या करवा दिया गया, विलय। अब जैसे ही विलय हुआ, जब दोनों संगठन मिल गए तो सीधी सी बात है सरकार भी हिलेगी, मांगे भी मानेंगे, सब कुछ होगा, और इनकी वापस पुणे मिलने के कारण यहां पर जयपुर में एक धार सभा बनाई गई, धार सभा। और धार सभा, अब इस धार सभा का क्या प्रकरण है धार सभा को भी पढ़ेंगे, धार सभा में चुनाव होंगे, कैसे चुनाव होंगे वो भी पता करेंगे। लेकिन एक बार धार सभा बना करके मार्च 1946 के अंदर जयपुर में उत्तरदायी शासन की क्या कर दी गई थी, स्थापना उत्तरदायी शासन की। अब अपने को जयपुर प्रजामंडल में केवल और केवल कौन सी सभा के बारे में पढ़ना बाकी रह गया है, धार सभा। धार सभा से पहले क्या हुआ मैं एक बार वापस मोटी मोटी बातें बता रहा हूं। जयपुर रियासत में राजनीतिक चेतना का अगर दूत माना जाता है अर्जुन लाल सेठी को, अर्जुन लाल सेठी ने यहां पर राजनीतिक चेतना जगाई। फिर अपन ने पढ़ा कि जयपुर प्रजामंडल की स्थापना, जयपुर गुरुजी आरएस और एसआई की प्रिपरेशन साथ में करना सही है या गलत है, सही है, कोई गलत नहीं है, मेन फोकस आरएस के ऊपर रखिएगा, मेन फोकस आरएस के ऊपर रखिएगा। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में हुई, जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन 36 में हुआ। क्रम से याद रखना, अभी मैं मेंस का प्रश्न लिखवाऊंगा तब कुछ नहीं पता पड़ पाएगा, इसलिए क्रम से 31 में स्थापना, 36 में पुनर्गठन, 38 के अंदर जयपुर प्रजामंडल का पहला अधिवेशन। पहले अधिवेशन में भाग लेने आई थी कस्तूरबा गांधी। पहले अधिवेशन के बाद जयपुर प्रजामंडल को 1938 में ही गैर कानूनी घोषित कर दिया। गांधी जी के हस्तक्षेप के कारण 1939 में इस प्रजामंडल को वापस दर्जा दिया गया। 1940 में प्रजामंडल का दूसरा अधिवेशन हुआ। 1941 में प्रजामंडल का तीसरा अधिवेशन हुआ। तीसरे अधिवेशन के समय शहरी क्षेत्र के नेता और ग्रामीण क्षेत्र के नेता दो भागों में बंट गए, क्योंकि इस अधिवेशन में कहा गया कि हम किसानों को साथ लेंगे, इससे एक वर्ग नाराज था, और चिरंजी लाल मिश्र की अध्यक्षता में प्रजामंडल का विघटन कर दिया गया और प्रजामंडल के कुछ कार्यकर्ता टूट करके प्रगतिशील दल बना लेते हैं। इससे प्रजामंडल को जोर का झटका लगा 1941 में, क्योंकि प्रजामंडल टूट चुका था। 1942 में और भी झटका तब लगा जब जमनालाल बजाज का निधन हो गया। 42 में जमनालाल बजाज का निधन हो गया। जमनालाल बजाज के निधन के बाद प्रजामंडल संचालन की जिम्मेदारी हीरालाल शास्त्री के ऊपर आई। हीरालाल शास्त्री 1942 में जैसे प्रजामंडल संचालन करते हैं, उसी समय भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, और जयपुर की सरकार हर हाल में प्रजामंडल आंदोलन को भारत छोड़ो आंदोलन से अलग रखना चाहती थी, इसलिए हीरालाल शास्त्री के साथ एक समझौता किया जिसे अपन कहते हैं जेंटलमैन एग्रीमेंट। और उस जेंटलमैन एग्रीमेंट में यह कहा कि हम आपके यहां उत्तरदायी शासन की स्थापना कर देंगे, आप प्रजामंडल आंदोलन वालों तुम भारत छोड़ो आंदोलन में भाग मत लेना। और भी कई शर्तें थी जेंटलमैन एग्रीमेंट की, वो सारी पड़ी, और उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है। जेंटलमैन एग्रीमेंट के बाद कुछ कार्यकर्ता नाराज हो गए और नाराज होकर कहा कि नहीं, हम तो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेंगे, और बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में आजाद मोर्चे का क्या कर लिया, गठन। आजाद मोर्चा अलग लड़ रहा है, प्रजामंडल अलग लड़ रहा है, और 45 में नेहरू जी ने दोनों को वापस मिलाया। मिलाते ही मजबूती आई, और मजबूती आने के कारण प्रजामंडल के दबाव के कारण जयपुर में उत्तरदायी शासन की स्थापना हेतु कौन सी सभा की स्थापना कर दी गई थी, धार सभा। अब धार सभा कैसे काम करेगी, धार सभा में क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सारी चीजें अपन चर्चा करेंगे अपनी अगली क्लास में। यहां तक का सारा डाटा सेव रखना, फिर मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, काफी टफ टॉपिक है लेकिन अपन सरल शब्दों में इसको समझने का प्रयास करते हैं। फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी प्यारे भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सादर वंदे, राम राम।